हेलो दोस्तों, आज कुछ हम बात करने वाले हैं वीवो वाई 200 ई डिवाइस के अंदर आप सिस्टम नेविगेशन सेटिंग कैसे करें। दोस्तों आप अपने फोन में सिस्टम नेविगेशन सेटिंग कैसे करेंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग यहां पर आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सिस्टम नेविगेशन से होता है आप अपने 3 बटन को चेंज कर सकते हैं, इस साइड से उस साइड कर सकते हैं, जो आपके बैक बटन है, या आप अपने बटन का जो आइकन है उसको चेंज कर सकते हैं, या अपने बटन को आप हाइड कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शन आपको उसके अंदर मिलते हैं, तो आप तीनों ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बता देते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है, तो हम अपने सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाता है, और थोड़ी सी आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिस्टम का ऑप्शन। तो आपको सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिस्टम का ऑप्शन है, तो आपको इस पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सेटिंग आ जाएंगे। तो आपको फर्स्ट नंबर में मिलता है सिस्टम नेविगेशन, तो आपको इस पे क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपने जो बटन है उस सेटिंग करने को आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं वीडियो में दिखा रहा है किस तरह से आप अपने बटन को यूज करेंगे, यहाँ पे फोन का वीडियो है, तो आपको यहाँ पे देख लेना किस तरह से अपने फोन को यूज करना है, ये चीज यहाँ पे आपको दिखा रहा। नीचे आपको मिलता है 3 बटन नेविगेशन, आपको अपने 3 बटन में चेंजेस करना है, या अपने बटन को आइकन को चेंज करना है, तो आप ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर में 3 बटन नेविगेशन, तो आपको इस पर क्लिक करके अपने बटन को चेंज करना है। नीचे आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं ऑर्डर ऑफ नेविगेशन केज, तो यहाँ से आप अपने जो बैक बटन है इस साइड से उस साइड कर सकते हैं, जो आपके बैक बटन है अगर लेफ्ट राइट उसको कर सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट होगी जो आपके बटन है, यहाँ से आपकी जो बैक बटन है लेफ्ट राइट होगी, अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना, आपको लेफ्ट रखना है या राइट रखना है। और नीचे आपको मिलता है आइकन स्टाइल, जो आपके बटन का आइकन है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपके बैक बटन है वहाँ पे 3 कोने की आ जाएगी, और ऊपर में आपको तीर का निशान ऐसे आता है, तो यहाँ से आपको चॉइस कर लेना है कौन सा यूज करना है, जो आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको जो आपका बैक बटन है उसको साइड भी मैनेज कर लेना है, और इसके बाद यहाँ से कुछ नहीं करना, जो आपका बटन है बिल्कुल इस साइड से उस साइड हो जाएगा। अगर आपको अपने बटन को हाइड करना है, आप चाहते हैं कि जो हमारा बटन है हमारे फ़ोन के अंदर ना आए, हमारा बटन जो हमारा फ़ोन है बिना बटन का चले, तो उसके लिए यहाँ पे आपको मिलता है गेस्टर नेविगेशन, आपको इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपके फ़ोन से जो बटन है वो गायब हो जाएगी, आपके फ़ोन में कोई भी बटन नहीं आएगा। अभी आप देख रहे हैं हमारे फ़ोन में कोई भी बटन यहाँ पर नहीं आ रहा, इसको यूज कैसे करना है ये चीज़ यहाँ पे आपको वीडियो में दिखा रहा है, यहाँ पे आपको देख लेना है किस तरह से आपको यूज करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे सारा कुछ कट हो जाएगा, साइड से ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो बैक होगा, इस साइड से भी स्क्रॉल करेंगे तो भी बैक होगा। तो इस तरह से आपको अपने फ़ोन को यूज करना है। नीचे एक बटन आपको मिलता है हाइड बटन बार, अगर आपको एक बटन अपने स्क्रीन पर लाना है जो आपके कट बटन है वहाँ पर एक लाइन से बटन लाना है, तो आपको इसको ऑफ कर देना है, यहाँ पे एक लाइन सी बटन आ जाएगी। अगर आपको नहीं भी इसको यूज करना है तो आपको इसको इनेबल कर देंगे तो ये आपके फोन में हट जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, जो भी आपको बटन अपने हिसाब से यूज करना हो कर सकते हैं, या अपने बटन को आप हाइड रखना चाहते हैं तो हाइड भी कर सकते हैं, और अपने बटन को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने जो 3 बटन है उसको मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका हो किस तरह से आपको अपने फोन में सिस्टम नेविगेशन सेटिंग करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे वो लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।